हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआरजी गेमर्स। तो गाइस, हम रिव्यू करने वाले हैं इलाइट पास का, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रैल में। तो यार, ये रहा हमारा इलाइट पास जो कि नेक्स्ट है, जो कि दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा है मेरे को, तो अच्छा भी है बुरा भी है, देख लेते हैं कौन सी चीज़ें अच्छी हैं इसमें और कौन सी बुरी हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी AWM की स्किन, पीछे शर्ट भी है, उसके बाद AWM की स्किन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्किन है, इसमें कोई भी एबिलिटी नहीं होगी, यानी कि आप बोलें कि इसमें डैमेज होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अवतार है, बैनर है, बाकी नीचे देख सकते हैं एक पैराशूट है जो कि सिंपल सा पैराशूट, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस लाइट पास में केट जैसे ना शेप्स दी गई हैं, तो देख सकते हैं, केट बोल लो या लुमड़ी बोल लो, वो जो भी बोल लो आप। तो गाइस, बाकी देख लेते हैं इसमें बैनर, बाकी शर्ट ऊपर आपको बिना लाइट पास पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, तो यार मुझे केट नहीं लग रही है, लुमड़ी लग रही है, या फिर कुछ भी बोल लो भाई, छोड़ो उन बातों को, हम खाली रिव्यू करके देखते हैं कि क्या चीज़ है। बाकी जो बंडल है, इस बंडल में पूछल सी दी गई है, वो देखते हैं। तो ये रहा बंडल जिसमें देख सकते हैं पीछे एक पूछल सी निकाली गई है। लेकिन गाइस, इस बंडल यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, फीमेल कैरेक्टर का भी बहुत ही बढ़िया बंडल लगा है मेरे को। ये देख सकते हैं कुछ चेंजिंग की गई है लाइट पास में, बहुत टाइम हो गया एक जैसे ही लाइट पास आ रहे थे अजीबोगरीब से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इस लाइट पास में। यार मेरे को तो ये जो बंडल है ना काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें एक हेड होगा, हेड जो हेड के साथ देख सकते हैं केप भी है, उसके साथ आपको एक चश्मा भी मिलेगा जिसमें दिल बना हुआ है, बहुत बढ़िया है। उसके साथ आपको मिलेगी एक शर्ट जो कि आप देख सकते हैं, साथ कुछ कार्ड भी लगा हुआ है साथ नीचे। इसके साथ एक पैंट है जो कि ना होने के बराबर है पैंट, बाकी नीचे शूज़ है, बाकी ये पूरा का पूरा बंडल है फीमेल करेक्टर का। उसके बाद चलते हैं आगे, आगे नीचे देख सकते हैं काफ़ी सारा खाली भी है। उसके बाद हमारे पास जो गन है, ये रही गन की स्किन M60, तो ये भी सिर्फ गन की स्किन होगी, कोई भी इसमें एबिलिटी नहीं होगी, डबल डैमेज जैसा कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। बाकी इमोट आपको ये वाला देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको पिछले अपडेट में हमारे इमोट में आ चुका था ऑलरेडी, तो ये भी हमको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। तो बाकी देख लेते हैं आगे और क्या चीज़ें। तो गाइस देखें, पिछली दफ़ा शायद ऐसा होता है कि आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है कि एक मरतबा इमोट मिलता है, एक मरतबा नहीं, लेकिन पिछली दफ़ा जो अभी लाइट पास चल रहा है उसमें भी इमोट है, और जो भी आने वाला है इसमें भी इमोट है, यानी कि यार ये काफ़ी अच्छी बात है कि दोनों में इमोट हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी देख लेते हैं इसमें, तो गाइस ये रहा हमारे जो बोर्ड है, जो काफ़ी अच्छी बोर्ड है, ये पिछले इलाइट पास में भी सेम टू सेम इसे ही है, मतलब मिलती जुलती है सेम टू सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी ये हमारा लूट बॉक्स है जो कि आप देख सकते हैं, लूट बॉक्स में को इतना अच्छा नहीं लगा जितना होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ अच्छी भी होती है कुछ बुरी भी होती है, वो मैंने आपको बता दिया मैं इसमें लाइट पास में। तो बाकी गाइस, ये वाला बोर्ड यार बहुत बढ़िया है, वो पहले वाला इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये वाला बोर्ड काफ़ी अच्छा लगा है मेरे को, जो ये वाला बोर्ड है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा, पहले वाला या दूसरा, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बाकी 10 फ्रेगमेंट हमेशा की तरह एवोल्यूशन कॉइन मिलेगा आपको। बाकी आगे देख लेते हैं, तो ये हमारा बैकपैक है, ऊपर वाला सिंपल है, जो नीचे वाला लाइट पास में वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है जैसे कि लाइट पास पे होता है। तो देख सकते हैं ऊपर सिंपल बिल्कुल, खाली कलर का डिफरेंस है, यानी कि थोड़ा बहुत कलर चेंज किए जाते हैं, जो कि ग्रीन फ्री फायर बनी थी तब से एक जैसा बैग चलता हुआ आ रहा है, जो फ्री फायर का लोकल बैग जिसको हम कह सकते हैं, उसमें सिर्फ कलर का चेंजिंग की जाती है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी देखते हैं नीचे और क्या है, तो ये बैकपैक दिखा दूँ मैं आपको। तो यार ये रहा बैकपैक, जो कि ये भी कुछ इलेक्ट्रिक शॉक जैसा है बंडल, ये बनी के बैग, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये बैग भी। तो यार Level 1 का बहुत अच्छा है, Level 2 का भी अच्छा है, Level 3 से Level 1 का ज़्यादा अच्छा लगा है मेरे को। देख सकते हैं यार कितना ज़बरदस्त बैग है। तो बाकी जो बंडल है, चले बंडल देख लें, तो गाइस ये रहा बंडल, जो कि ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फीमेल करेक्टर का ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी इसका हेड है ये जैसा भी है आपके सामने, जो मेल करेक्टर है इसमें मेरे को शर्ट बहुत अच्छी लगी है इस बंडल की, जो उसके ऊपर हेड है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। बाकी इसकी पैंट भी यार इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन जो इसकी शर्ट है ना वो सबसे अच्छी लगी है मेरे को इस बंडल में। बाकी आपको जो अच्छा लगे बताना, जो पीछे पूछल सी लग रही है भी देख सकते हो आप मेल करेक्टर में और फीमेल करेक्टर में, ये दोनों में दिया गया है आपको, तो देख लेना। बाकी ये आने वाला है लाइट पास हमारा नेक्स्ट, अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी से जोड़ना शुरू कर दें, यानी कि कुछ मेंबरशिप ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आपको अच्छा लगे। और मिस्ट्री शॉप की अब तक कोई लीक्स नहीं मिली, जैसी लीक्स मिलेगी तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो गाइस ये वीडियो थी आज की, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय फ्रेंड।